नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के वैसे तो कई सारे राइटर हैं। जैसा कि कल आपको बता होगा कि अखिलेश कश्यप का जन्मदिन था। इसके अलावा कृष्णा बेदर्दी के साथ खेसारी लाल यादव बैक टू बैक बड़े बड़े धमाके लेकर आते हैं। और आपको पता होगा ये भी कि पवन पांडे के साथ भी गाने आ रहे हैं, यानी कि खेसारी लाल यादव के साथ कुछ लोगों का ऐसे नाम जुड़ा है जिनकी चर्चा एज अ लिरिसिस्ट लिरिक्स राइटर के रूप में लगातार होती है। लेकिन इस कड़ी में जो फैंस हैं वो अलग अलग राइटरों का डिमांड करते हैं, जैसे प्रकाश बारूद कुछ करके नाम है उनका। इसके अलावा जो है और भी तमाम हैं कलाकार जिन लिरिसिस्ट राइटर हैं जिनको लेकर यादव राज की बात करते हैं, और भी ऐसे कई सारे कलाकार हैं जिनको लेकर लोग चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव के गाने आने चाहिए। और लगातार अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के गाने कम हो गए हैं उसको लेकर थोड़ा सा ये बातें नहीं बन पा रहा, और इसकी जानकारी खुद खेसारी लाल यादव ने भी एक मंच के दौरान दिया था। लेकिन आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव का गाना एगो बात बताएं, जी हाँ एगो बात बताएं जो गाना है वो सोशल मीडिया पर कितना ज्यादा वायरल हुआ था इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और इस गाने को आजाद सिंह ने लिखा था, तो आजाद सिंह का बैकअप हुआ और 41 मिलियन इस गाने पर व्यूज मिल चुके हैं एक महीने में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा डबल रोटी गाने में एक और नया राइटर मिले, मनोज मतलबी, हालांकि ये पुराने राइटर हैं लेकिन खेसारी लाल यादव के नए लिरिसिस्ट के रूप में गाना दिए। अब इस कड़ी में एक और चर्चा जो है वो तेज हो गई है और एक तस्वीर आई है खेसारी लाल यादव की रिकॉर्डिंग के दौरान की, जहां पर वो स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वहां पर मौजूद हैं आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, इसलिए अब ये जोड़ी भी एक साथ नजर आ सकती है, क्योंकि ये जोड़ी स्टूडियो में दिखी है तो 100% हम कह सकते हैं कि आप सभी के बीच बड़ा धमाका हो सकता है। तो एक अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी खेसारी लाल यादव और आशुतोष तिवारी के जोड़ी के गाने को लेकर आप कितना उत्सुक हैं बताइए। धन्यवाद।